नमस्कार, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी। किसान साथियों, आप परेशान हैं किसी थ्रेशर से, वो भी चने की फसल के लिए। जब आप चने की फसल को निकालते हैं तब उसमें डंकल बहुत आते हैं, यानी कि कुल मिला के आपका थ्रेशर पूरी तरह सेट नहीं है। आज इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आपके पास एक नया सग्गू कंपनी का थ्रेशर है या फिर किसी भी कंपनी का थ्रेशर है, आप क्या करते हैं, जब भी आप चने की फसल निकालते हैं तो पूरा उसमें कचरा का कचरा निकलता है और चना दिखता भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो जानिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जितने भी इंजीनियर वगैरह हैं उनको बुलाएंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, तो आज आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। आइए, क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, थ्रेशर के आगे की तरफ आइए। आगे की तरफ आने पर आपको यहाँ पर पुल्ली दिखाई देगी, ऊपर की तरफ एक छोटी पुल्ली और एक बड़ी पुल्ली। आपको क्या करना है, एक एक बेल्ट को लेकर ऊपर वाली बड़ी पुल्ली पर चढ़ाना होगा। जब आप ऊपर वाली बड़ी पुली पे जाएंगे तो नीचे की तरफ आगे की तरफ छोटी पुली होगी, छोटी पुली पर बेल्ट चढ़ेगा, यानी कि आपको एक एक करके तीनों बेल्ट को आपको आगे की तरफ लेना होगा। अब आपको थ्रेशर को ऑन कीजिए। जैसे ही आप थ्रेशर चालू करेंगे तो आपके चने की फसल में जो डंकल आ रहे हैं वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब किसान साथियों का ये रहता है कि हमारे पास थ्रेशर है उसका जो आरपीएम है वो कितना रहना चाहिए। अब आरपीएम के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो रेस है उसको 11 या 12 पे सेट कर दीजिए। अब दूसरा ये रहता है कि जो यहाँ पर एक पंखी लगी रहती है जो हवा फेंकती है डंकल को इधर उधर ये करती है, तो उस पंखी को आपको फुल कर देना है। जैसे आप पंखी फुल करेंगे तो हवा तेज होगी, जैसी हवा तेज होगी तो इजीली वो डंकल है वो आगे की तरफ निकल जाएंगे। वैसे अभी नए टेक्नोलॉजी वाले जो थ्रेशर हैं, सग्गू कंपनी है, खोकर कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि जो डंकल आते हैं डंकल को रिटर्न करने के लिए एक पाइप लगाया है, लेकिन जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक उसमें आप चने की फसल सही से नहीं निकाल पाएंगे। जब आपका थ्रेशर पूरी तरह सेट हो जाएगा तो आपका चने की फसल एकदम मशीन क्लीन रहेगा। ध्यान रहे आपके जो छलनी लगी हुई है जिसको अपन छाना बोलते हैं, तो छलनी की चाल है वो भी फुल रहनी चाहिए, छलनी की चाल को कम नहीं करना है। तो ऐसे ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ फार्म ट्रैक 60 मॉडल का जो ट्रैक्टर है और उस पे थ्रेशर चल रहा है, और इस पे अभी आप देख रहे हैं कि जो इसके जो आरपीएम है यानी कि रेस है वो 12 पे सेट कर रखी है, और 12 पे सेट करने पर और जो पुली है उसको हमने छोटी पुली पे चढ़ाया है। कुछ लोग सोयाबीन वाली जाली डालते हैं, बड़े बड़े छेद वाली, आपको सोयाबीन वाली नहीं डालनी, आपको जो रेगुलर जाली है गेहूं जो वाली वही जाली डालिए आप, और उसके बाद में नीचे का छलनी है और उसको चाल फूल रखिए। और अभी भी आपकी दिक्कत आ रही है अगर डंकल की, तो आपको एक जुगाड़ लगाना है। देखिए आप जुगाड़ क्या लगाना है, तो जुगाड़ ये लगाना है कि जिस तरफ चने की फसल नीचे गिरती है उस तरफ आप पहिए के नीचे कुछ दे के पहिए को ऊपर कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाना अपन को। ऐसे देख लो आप 1 या 2 इंच, 1 या 2 इंच जैसे आप उधर ढलान दे देंगे वो जो जितनी भी डंकल आ रहे हैं वो डंकल सारे रिटर्न हो जाएंगे उधर, और आपकी जो चने की फसल है वो एकदम मशीन क्लीन आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो कमेंट कर दीजिए, और खेती किसानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ये घंटी का निशान आ रहा है उसे भी दबाइए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।